ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत और पागलपन। दोस्तों, बॉलीवुड में दोनों खान्स का रुतबा बड़ा ऊंचा है और दोनों ही बेस्ट बडीज भी हैं। पर जब बात आती है काम की तो शायद दोनों ही एक साथ कंपेटिटिव भी बहुत हैं। और इसीलिए शायद SRK ने ठान ली है सलमान की टाइगर 3 में एंट्री लेने की। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां आपको मिलेगी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ी हर सनसनीखेज खबर, वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों, हालांकि SRK का टाइगर 3 में होना ऑडियंस के लिए काफी बड़ा सरप्राइज है, लेकिन बता दें कि डायरेक्टर्स के लिए ये बिल्कुल भी कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर्स तो पहले से ही मौका ढूंढ रहे थे सलमान को टाइगर फ्रेंचाइज का हिस्सा बनाने का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बात है, जब टाइगर फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई थी, मूवी एक था टाइगर के साथ, जब सबसे पहले फिल्म एक था टाइगर का प्रपोजल रखा गया, तो उसके लिए सलमान से पहले SRK को ही अप्रोच किया गया था। लेकिन SRK की अनअवेलेबिलिटी और स्क्रिप्ट की नीड को देखते हुए सलमान खान को ये रोल दे दिया गया। बट एवर सिंस देन डायरेक्टर्स एक मौका ढूंढ रहे थे SRK की फिल्म में एंट्री कराने का, और अब फाइनली ये बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल गई है। और कहा जा रहा है कि मूवी में शाहरुख खान का रोल ऐसा होगा कि पॉसिबल है कि सलमान खान भी उनके आगे बिल्कुल फीके पड़ जाएं। वैसे पठान की रिलीज के बाद शाहरुख ने इतना तो एस्टैब्लिश कर ही दिया है कि बॉलीवुड में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, और जिस मूवी का भी हिस्सा वो बनेंगे उसमें सिर्फ उनकी ही वाहवाही की जाएगी। साथ ही बता दें कि इस बार टाइगर 3 के मेजर एक्शन सीन्स के लिए हॉलीवुड डायरेक्टर्स की मदद ली जा रही है और बॉलीवुड डायरेक्टर्स को जरा किनारे पर कर दिया है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जहां जहां पर स्टंटमैन की जरूरत होगी, वहां बॉलीवुड के नहीं बल्कि हॉलीवुड के स्टंट डबल्स को बुलाया जाएगा। एज ऑफ नाउ हॉलीवुड सिनेमा इंडस्ट्री में कॉल इन आज तक के सबसे बड़े स्टंटमैन हैं, और उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज और एवेंजर्स जैसी कई बड़ी फिल्मों में स्टंट डबल्स का किरदार निभाया है। उम्मीद की जा रही है कि टाइगर 3 में भी सलमान खान के स्टंट डबल का किरदार कॉल इन ही प्ले करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक था टाइगर में एक सीन था जहां सलमान की खूब धुलाई हुई थी, और वहां उन्हें दर्द में देखकर ऑडियंस को लग रहा था वाह वाह क्या कमाल की एक्टिंग है। लेकिन बता दें कि वो एक्टिंग नहीं थी जनाब, बल्कि सलमान खान को सच में बेहद चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज भी किया गया था, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें एडवाइस की गई थी कि उन्हें कई दिनों तक बेड रेस्ट की जरूरत है। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप मूवी टाइगर 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।